हेलो एवरीवन, सो गो बैटल में दोबारा खेल रहे हैं। मैं तीन मैच जीत चुका हूँ, चौथा मैच खेलने जा रहे हैं हम लोग। हम लोग रेटिंग पहुँच चुके हैं 585 पे। तो मेरा एज यूजुअल चेरिम पहला प्लेयर है। हेरा क्रॉस जो कि चेरिम, मतलब ये इसके इससे ज़्यादा स्ट्रांग है। चेरिम इससे फाइट नहीं कर सकता। मैं चेरिम को चेंज करने की कोशिश कर रहा था, पर उस टाइम उसका बूस्ट अटैक आ चुका है, चार्ज अटैक आ चुका है और अपन चेरिम खो चुके हैं यहाँ पर। आर्सनाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये आराम से दो पोकेमोन हरा सकता है। जैसे ये पैरा प्राइम ऐप है जो इसकी सी पी 85 है। चलो हम रिस्क नहीं लेंगे, फिर भी हम लोग शील्ड यूज़ करेंगे। ये मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये जीतेंगे तो हम एक लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ेंगे। गो बैटल में होता क्या है कि पांच मैच होते हैं, पांच में से अगर आप चार जीतते हैं तो आपको एक लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ने का मौका मिलता है और बहुत सारे रिवॉर्ड है। हर बैटल जीतने पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड है, पर ये फोर्थ वाला मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद अगर आप शॉप में से पास खरीद लेते हैं तो आप प्रीमियम लीग खेल सकते हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ दो बैटल जीतनी है, दूसरी बैटल में ही आपको लेजेंडरी पोकेमोन मिल सकता है। तो ये जो हमारा प्राइम ऐप है, इसकी सी पी ए 1483 और इसका बेस्ट यही है कि बहुत जल्दी चार्ज होता है। अभी शील्ड नहीं हमारे पास, लेट्स सी। इसको हम पूरा लक कहेंगे, लक बेस्ड है। अगर उसका चार्ज इस पर हैवी होता तो ये मैच हम हार सकते थे, क्योंकि मेरा भी लास्ट पोकेमोन है, उसका भी लास्ट पोकेमोन था। तो हम लोग फोर्थ बैटल भी जीत चुके हैं, हम लोग अब लेजेंडरी पोकेमोन कैच कर सकते हैं, पर हम एक और बैटल क्या हम जीतेंगे, मतलब जीतने की कोशिश करेंगे। मेरा कॉम्बिनेशन वही है, जब तक मुझे इनसे अच्छा पोकेमोन नहीं मिल जाता तब तक मैं इन्हीं को रखूँगा। और इसका रेटिंग मुझसे ज़्यादा है, 641 और अपना है 585। स्काईथर भी बहुत स्ट्रांग है, आप देख रहे हैं मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। हम लोगों ने आर्सनाइन को चूज़ किया है, इसीलिए ग्रास टाइप पोकेमोन है, फायर से इसको दिक्कत हो सकती है। देखिए इसका आप अटैक देख सकते हैं। स्काईथर का भी बूस्ट बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी चार्ज हो रहा है वो। नाइट स्लेस ये बहुत जल्दी चार्ज होता है, ये मूवी ऐसा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर हम पांचों जीत जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, उससे हमारी रेटिंग और फास्ट बढ़ेगी और नए नए पोकेमोन अनलॉक होंगे। आर्सनाइन ने अपना काम कर दिया है, लगभग उसने इसके तीनों पोकेमोन को हल्का कर दिया है। यार ये शील्ड ख़राब ना करें मेरी। चलो देखते हैं कितना दम है इसमें। अर्थ पाउडर नॉट वेरी इफेक्टिव, नीडो किंग है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, पर लगता है मैडम का नेट चला गया। एक ही अटैक का था ये ग्लूम है और इसकी सीपी बिल्कुल 1500 के पास है। ये पोकेमोन अगर टिका रहा तो मुझे मार सकता था।
आप देख सकते हैं मंक प्राइम ऐप का ये कितना जल्दी हेल्थ कम कर रहा है। और हम लोग ये बैटल हार गए। सो एनीवेज गाइस, वी हैव वॉन 4 बैटल आउट ऑफ 5। तो चौथी बैटल जीतने पे हमें जो रिवॉर्ड मिलता है वो कलेक्ट करना है, पर हम पहले चेक करेंगे हमारे पोकेमोन बॉल्स कितनी है। हमारे पास मिनिमम 10 पोकेमोन बॉल्स होनी चाहिए, वो भी अल्ट्रा वाली, ब्लैक वाली। हमारे पास 7 है, पर 10 हमारे पास ग्रेट बॉल्स है, तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लेजेंडरी पोकेमोन है वो एक या दो बॉल से नहीं आता है। ये है कैबोलियन, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। मैं जब भी जीतता हूँ मुझे यही मिलता है। मुझे लेपरस चाहिए वैसे, काफ़ी एक अर्थ होता मेरा एक्सीलेंट बेस्ट होता है। अगर एक्सीलेंट, ग्रेट और नाइस के अगर इनके मतलब अगर ये थ्रो नहीं आ रहे आपके, तो ये लेजेंडरी पोकेमोन तुरंत बाहर निकल आते हैं। कभी कभार बेकार थ्रो में पकड़ भी लेते हैं, पर मिनिमम नाइस थ्रो तो आपको चाहिए। देखो नाइस थ्रो में आ गया है मेरे पास। एक्चुअली मैं बॉल फेंक कहाँ रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है, आप बिल्कुल नाक पे मारो उनके, पक्का पकड़ में आते हैं। तो हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास शाइनी भी है, देख रहे हैं 5 पोकेमोन है। कोबेलियन हमारे पास 5 हो चुके हैं, ये हमने अभी पकड़ा है, इसका 2 स्टार हैं, ये कल पकड़ा था, ये परसों पकड़ा था, ये भी, ये अच्छा है, ये देखिए शाइनी वाला, ये बड़ी मुश्किल में मिलते हैं शाइनी पोकेमोन्स। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस।